हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.4, अपने चैप्टर 7 परसेंटेज में से। देखिए, हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी एक्सरसाइज 7.1, 7.2 एंड 7.3 डिटेल में कंप्लीट कर ली है, एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देख भी ली होगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है और जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, सबसे पहले जाके वो वीडियोस को देख लीजिए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी क्लास 8 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आपकी प्लेलिस्ट का नेम है सुपर मैस्टर क्लास 8 ICSE। जहाँ आप सीधा भी जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बुक का नेम सुपर मैस्टर चैप्टर नंबर 7 परसेंटेज ब्रिलियंट माइंड, सो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपके पास नई वीडियोज़ भी टाइम पर आती रहेंगी, उनकी सारी नोटिफिकेशन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.4 में हम सीखेंगे GST के बारे में। GST क्या होती है? GST होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स मींस वो सारे प्रोडक्ट हम जो मार्केट से बाय करते हैं, रैदर वो एक छोटा सा पेन है, टीवी है, आपके क्लोथ्स हैं, कुछ भी हम बाय करते हैं मार्केट से, उस पर जो टैक्स लगता है दैट इज़ GST। उन सारे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं गुड्स सर्विसेज। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ भी वो सर्विस का टैक्स लगता है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टैक्स थे, अब एक ही टैक्स होता है, दैट इज़ GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हर प्रोडक्ट पे डिफरेंट टैक्स होता है, तो आपको क्वेश्चन में जो टैक्स रेट दिए होंगे इसको बोलते हैं टैक्स का रेट। जैसे GST का रेट हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 28%, तो जैसे टैक्स दिया है हमें वो फाइंड करना है। अब होता क्या है, सपोज आपने एक शॉप से 2000 रुपीज़ की एक शर्ट बाई की, 2000 रुपीज़ की शर्ट पे GST होगी, तो GST उसकी प्राइस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इट मींस GST के बाद आपके प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो GST ऑलवेज क्या होनी है, ऐड। प्रोडक्ट की प्राइस में जो भी लिस्ट प्राइस होगी, बिफोर GST वाली प्राइस होगी, उसमें आपने GST प्राइस को क्या कर देना है, ऐड। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ सूट केस इज 2200 रुपीज़, इफ GST ऑफ 28% इज टू बी चार्ज ऑन इट, हाउ मच वन हैज टू पे टू बाय द सूट केस। अब देखिए, लिस्ट प्राइस आपकी मार्क प्राइस ही है, वो मैं बताई हुई है, इस प्राइस पे 28% GST देनी है, एंड एक पर्सन को अगर वो सूट केस बाय करना है तो उसको उसके लिए कितने पैसे की पे करने पड़ेंगे, हमें ये फाइंड करना है। अब हमने यहाँ पे लिख लिया, लिस्ट प्राइस ऑफ अ सूट केस इज गिवन टू अस, दैट इज 2200 रुपीज़, एंड हमें GST किस पे लगानी है, इसी प्राइस पे, GST ऑन रुपीज़ 2200, एड। GST का रेट क्या है, 28%, तो आपको कैसे फाइंड करते हैं, 28% ऑफ रुपीज़ 2200, तो आपकी GST आ गई, GST इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 28% का साइन हटा देंगे, 100 ऑफ की प्लेस पे इनटू मल्टीप्लाई का साइन, देन देखिए टू जीरो से कैंसिल होगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली 28 को 22 से मल्टीप्लाई, तो हमारी GST आ गई 616 रुपीज़। अब हमें निकालना था हाउ मच वन हैज़ टू पे टू बाय अ सूट केस, देन हम क्या लिख देंगे, प्राइस आफ्टर जीएसटी कितनी हो गई, जो आपकी ओरिजिनल प्राइस थी, प्लस उसमें हम कर देंगे GST ऐड, तो हमारा आंसर आ गया 2816 रुपीज़, या 2816। क्वेश्चन नंबर 2, यू विजिट अ डिपार्टमेंटल स्टोर एंड परचेज द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ ड्रेस फॉर ₹400 विद GST 5%, फ्रोजन फूड आइटम्स फॉर ₹150 GST एट 5%, वन रेट कॉन फॉर 300 GST अगेन 5%, वॉकिंग स्टिक कितने की है, 230 की विद GST अगेन 5%, हाउ मच मनी विल यू हैव टू पे द डिपार्टमेंटल स्टोर। एंड इन क्वेश्चन में आप देखिए, इन दिस क्वेश्चन हमें प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट्स दिए हैं, और 4 के 4 प्रोडक्ट्स की हमें लिस्ट प्राइस भी दी हुई है, एंड सब पे हमें GST चार्ज करनी है, टोटल अमाउंट बतानी है, टोटल मनी कितनी पे करनी पड़ेगी। देन अब क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अगर हमारे सारे केस में GST डिफरेंट हो, तो आपको ईच एंड एवरी केस में GST फाइंड करनी है, देन ऐड कर देना है। बट यहाँ पे आपके पास सारे प्रोडक्ट्स की GST एग्जैक्टली सेम है,
तो हम क्या कर सकते हैं, सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ ऐड, क्योंकि हमें इंडिविजुअल नहीं पूछा, टोटल बिल पूछा है, तो पहले सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करके फाइनल जीएसटी एक बार ही निकाल सकते हैं। जहाँ इस क्वेश्चन को टू वेज में कर सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए हैं तो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट पे डिफरेंट जीएसटी फाइन करेंगे, देन टोटल अमाउंट फाइन करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए हैं, सबकी प्राइस डिफरेंट है बट जीएसटी का रेट सेम है, तो हम सबको ऐड करके एक ही बार 5% जीएसटी लगा सकते हैं। बट मैं आपको इस क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि हर क्वेश्चन में जीएसटी कैसे लगाते हैं। अब प्राइस ऑफ ड्रेस कितनी है, 400, इस पर जीएसटी रेट 5% है हर क्वेश्चन में, तो आपको 5% कैसे हटाते हैं, 5% 100 लग गया नीचे इंटू 400, तो 0 0s कैंसिल, 5 4s 20। अब हमने क्या लिख देना है, प्राइस आफ्टर जीएसटी, जो आप लिख सकते हैं प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, जिसमें जीएसटी ऐड हो गई, तो 400 में 20 ऐड कर देंगे, प्राइस आफ्टर जीएसटी 150 में आपको 7.5 ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर आ गया 157.5 रुपीस। देन रेनकोट पे भी 5% और प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी ही लगानी है आपको, तो 5 3s 15। अब यहाँ पे भी हमारी प्राइस कितनी आ गई, प्राइस आफ्टर जीएसटी जब प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, तो 300 + 15 315 रुपीस। देन वॉकिंग स्टिक पे भी 5% जीएसटी है, 230 एज इट इज़, 0 0 कैंसिल। देन अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं, 5 1s 5 5 2s 10, देन इसको 2 से डिवाइड, 2 1s 2 1s एंड डेसिमल ले लिया, हमारे पास आ गया 11.5। एंड आई होप आप सबको इसको डिवाइड करना आता है, डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है। देन प्राइस आफ्टर जीएसटी, जीएसटी के बाद प्राइस कैसे लगाएंगे, अगेन सेम आपके प्रोडक्ट की प्राइस में जीएसटी को कर देना है ऐड, तो हमारे पास आंसर आ गया 241.5। अब हमें बिल कितना पे करना है, भी कितना बिल पे करने के लिए जो आपकी प्राइस है आफ्टर जीएसटी, जिसमें जीएसटी इंक्लूड है, उन सारी प्राइजेस को कर देना है ऐड, तो चलिए अब हम सबको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करके हमारे पास आ गया बिल, हम लिखते हैं टोटल बिल अमाउंट कितनी होगी, दिस प्लस सेकंड प्रोडक्ट की प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, सबकी प्राइस आपने इंक्लूडिंग जीएसटी ही लिखनी है। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया ₹1134। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार ये मेथड भी देख लेते हैं, जितने हमारे प्रोडक्ट्स थे टोटल प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स बिफोर जीएसटी 400 150 300 230, सबको ऐड कर देना है, टोटल प्राइस आ जाएगी सारे प्रोडक्ट की बिफोर जीएसटी। अब जीएसटी कितनी है, 5% इस अमाउंट पे लगेगी, तो आपने लिख देना है 5% ऑफ दिस, एक ही बार फाइंड करना पड़ेगा हमें, 0 0 कैंसिल। देन यहाँ पे देखिए 5 1s 5 2s 2 1s 2 5s 10 2 4s, तो हमारी जीएसटी आ गई 54 रुपीस। देन अब हमें क्या फाइंड करना है, प्राइस आफ्टर जीएसटी और वो अमाउंट जो हमें पे करनी होगी, तो जो आपके प्रोडक्ट की प्राइस थी प्लस उसमें हम अपनी जीएसटी को कर देते हैं ऐड, तो ये आ गया आपका आंसर, देखिए एग्जैक्टली सेम आया है 1134। ये मेथड बहुत इजी है, तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं जब भी आपके पास, वो मैंने आपको इसलिए सिखाया जिस केस में जीएसटी का रेट डिफरेंट होगा, जैसे इसमें तो सब में सेम था 5 5%, बट कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आप किसी में 5% है, किसी में 18, किसी में 12, तो आपको सबका डिफरेंट डिफरेंट निकालना है देन ऐड करना है। अगर आपकी किसी क्वेश्चन में प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स हैं और जीएसटी एग्जैक्टली सेम है, तो आप सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करके एक ही बार जीएसटी का रेट उसमें लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मिसेस गंभीर बाउट ऑफ बेडशीट फॉर रुपीज दिस इंक्लूडिंग 5% जीएसटी एंड अ टॉय सेट फॉर रुपीज दिस इंक्लूडिंग 12% जीएसटी, फाइंड द लिस्ट प्राइस विदाउट जीएसटी ऑफ द बेड प्राइस बेडशीट एंड द टॉय सेट टुगेदर। इट मीन्स हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फाइंड करना दिया क्या है, हमें बेडशीट की प्राइस एंड टॉय सेट की प्राइस जो दी है वो इंक्लूडिंग जीएसटी है, इट मींस आफ्टर जीएसटी, जब हमने उसमें जीएसटी ऐड कर दी
उसके बाद की प्राइस दी है जो बिल अमाउंट होती है हमारी। अब हमें क्या करना है, जीएसटी लगाने से पहले लिस्ट प्राइस क्या थी वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास लिस्ट प्राइस नहीं है, तो लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ बेड शीट बी एक्स एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ टॉय सेट बी वाई, क्योंकि दो दो प्रोडक्ट्स हैं तो एक को एक्स ले लेते हैं एक को वाई ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम टू पार्ट्स में करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं लिस्ट प्राइस ऑफ बेड शीट, तो बेड शीट की लिस्ट प्राइस कितनी हमने ली है रुपीज एक्स। अब इस पर जीएसटी कितनी है, बेड शीट पे जीएसटी है 5%, हम लिखेंगे 5% का साइन हटा के नीचे 100 इन टू एक्स। देन सेम ऐसे हम लिख देंगे लिस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय सेट इज इक्वल टू रुपीज वाई, इस पे भी जीएसटी फाइंड कर लेते हैं। इसकी जीएसटी कितनी है, इसकी जीएसटी है 12%, तो 12/100 इन टू वाई, आपका आंसर आ गया 5x/100 रुपीज, और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 12y/100। अब देखिए हम क्या करते होते हैं, जो भी हमें प्राइस दी होती है लिस्ट प्राइस, अगर हम उसमें अपनी जीएसटी को ऐड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, वो ऑलरेडी गिवन थी। अगेन सेम प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट प्राइस प्लस जीएसटी इज इक्वल टू प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, जिसमें अब देखिए ये क्या था, प्रोडक्ट की प्राइस ये जीएसटी दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगी प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। सेम प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे जीएसटी दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास बन गया वो प्राइस जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडिंग है। अब देखिए जैसे सिंपल लीनियर इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है आपको। नीचे 1 लगाना है दोनों के डिनोमिनेटर्स में, पहले 1 एंड 10 का 1 एंड 100 का एलसीएम लेना है, तो आ गया 100। 100 को आप 1 से डिवाइड करोगे 100 ही आएगा, देन जो आंसर आया उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई 100 into x 100x, जब आपका डिनोमिनेटर एंड एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज ही आ जाएगा। बस अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 100 + 5 105x/100, देन देखिए ये भी हमारा आंसर आ गया सेम, यहाँ पे 100 ये बन जाएगा 100y + 12y 1680, ये आ गया हमारे पास, दोनों को ऐड कर दिया 100 + 12। देन अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, एक्स इस साइड ही रहेगा और सबसे पहले तो हम इसका डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल की प्लेस पे नीचे 1, पीछे 2 डिजिट्स हैं देन 2 जीरोस। अब ये 100 इस साइड क्या हो रहा है, एक्स के साथ डिवाइड, राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई, 105 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जाके हो गया डिवाइड। सेम यहाँ पे भी हमें यही करना है, 1680 100 ऊपर एंड 112 नीचे। अब हम देखेंगे इनकी कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर देते हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले इन दोनों को कट करते हैं, हमें क्या कुछ में फाइंड करना है, लिस्ट प्राइस ऑफ बेडशीट एंड टॉय दोनों की डिफरेंट डिफरेंट फाइंड करनी है, तो इनके अब हम कटिंग कर लेते हैं। 2 के टेबल में भी आप कर सकते हैं, 5 के भी, 5 ईजी है, यहाँ पे 0 है, 5 दोनों 5 के टेबल में जा सकते हैं, 5 2s are 10, 5 1s are, देन देखिए 5 9s are 45, हमारे पास 47 था, 2 बच गया, 2 and 2 22, 5 4s are 20, अगेन 2 इज रिमाइंडर, 25 बन गया, देन 5 5s are 25। अब यहाँ पे हम 3 के टेबल में कर सकते हैं कटिंग, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 0 एंड 3 7s are, देन 7 1s are, देखिए 7 4s are 28, 3 बच गए 35, 7 5s are 35 एंड 0। हमारे पास यहाँ पे प्राइस कितनी आ गई, लिस्ट प्राइस, अब क्या लिख सकते हैं, लिस्ट प्राइस ऑफ बेड शीट इज इक्वल टू ₹450, तो हमारी टोटल प्राइस कितनी आ गई, ये बेड शीट की प्राइस है 450। देन हम इस साइड भी सॉल्व करते, देन उनकी टोटल प्राइस टुगेदर, दोनों की हमें प्राइस इकट्ठी पूछी, बाद में हम इनको ऐड कर देंगे। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 2 के टेबल में 250s हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 5s and 2 6s, अगेन पहले हम इसको भी कट कर लेते हैं, जहाँ हम वेरी सिंपली करते हैं इसको कट करते हैं, 100 होगा हमारे पास, हम जीरोस लगा लेंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तो यहाँ पे अभी कैंसिल कर देते हैं कटिंग, क्योंकि 100 हमारे पास कहीं भी होना, चाहे डिनोमिनेटर में चाहे न्यूमिनेटर में, उसको सॉल्व करना आपके लिए और ईजी हो जाएगा। तो यहाँ 56, 2 के टेबल में कट करते हैं, 2 8s are 4s and 0s are, देन 2 4s are 2 2s are 0, 2 2s are 4, 2 8s are, देन यहाँ पे भी
2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 0 and 2 14 ज़ा, सीधा 7 के टेबल में भी कर सकते हैं, 7 3 ज़ा 0 एज इट इज, 7 2 ज़ा 2 1 ज़ा and 2 15 ज़ा, देन हमारा आंसर आ गया 15 into 100 1500। अब हमें टोटल लिस्ट प्राइस निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, हमारे पास दोनों की प्राइस है, तो हमें 450 में 1500 को ऐड करना है, तो आपकी प्राइस आ गई 1950। अब देखिए हमने दोनों की टोटल प्राइस भी फाइंड कर ली, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वनीता बाइज गुड्स वर्थ रुपीज 5600, शी गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन इट आफ्टर गेटिंग दिस डिस्काउंट इफ जीएसटी एट 5% इज चार्ज फाइंड द अमाउंट शी विल हैव टू पे फॉर द गुड्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें कितनी प्राइस दी है, प्राइस ऑफ गुड्स बाउट बाय वनीता दी हुई है 5600। अब इस पे उसको देखिए, जब भी जीएसटी चार्ज होती है, अगर किसी पर्सन को वो प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिले तो पहले डिस्काउंट माइनस होता है, जो न्यू प्राइस आती है जीएसटी उस पे आती है, डिस्काउंटेड प्राइस पे आती है जीएसटी। इट मीन्स जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे, अगर उस पर कोई भी डिस्काउंट है या सेल है, वो डिस्काउंट पहले माइनस होगा प्रोडक्ट की प्राइस में से, देन उस प्राइस पे जीएसटी चार्ज होगी। अब हमें भी क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है डिस्काउंट, और डिस्काउंट है हमारा 5%, तो 5% फाइंड करना है किसका, 5600 का, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो जीरोस कैंसिल, देन 56 into 5 हमारे पास प्राइस आ गई 280, तो ये आपकी डिस्काउंट प्राइस आ गई। अब आपने फाइंड करना है प्राइस ऑफ गुड्स आफ्टर डिस्काउंट, इट मीन्स आपको 5600 में से 280 कर देने हैं सब्ट्रैक्ट, तो 5600 में से 280 माइनस कर देते हैं, देन आपके पास कितना आ गया, रुपीज़ 5320। ये हमारी कौन सी प्राइस है, डिस्काउंट के बाद। अब आपको जीएसटी इसी प्राइस पे लगानी है, तो हम लिखते हैं जीएसटी ऑन रुपीज़ 5320 एट विच रेट, हमारा जीएसटी का रेट भी 5% है, देन अब जीएसटी कैसे लगेगी, 5% ऑफ दिस अमाउंट, देन 0 0 कैंसिल हो सकते हैं। अब देखिए 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 1 इज़ रिमाइंडर 13 बन गया, 2 6 ज़ा 12, देन अगेन 2 6 ज़ा 12, आपके पास जीएसटी आ गई 266। अब हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट ही विल हैव टू पे फॉर द गुड्स, इट मीन्स हमें वो अमाउंट बतानी है जो अमाउंट वो पे करेगी, इट मीन्स अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। अब बिफोर जीएसटी कितनी प्राइस थी, ये प्राइस नहीं लेनी हमने, डिस्काउंट के बाद वाली प्राइस लेनी है, इसमें हमें ऐड कर देने हैं रुपीज़ 266 जो हमारी जीएसटी है, देन दोनों को ऐड करके हमारे पास टोटल प्राइस आ गई 5586, इट मीन्स 5586 रुपीज़ उसको पे करने हैं आफ्टर जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 5, द नाई अबाउट अ कलर टीवी सेट फॉर 35,400 इंक्लूडिंग 18% जीएसटी, फाइंड द प्राइस बिफोर द जीएसटी वॉज एडेड, इट मीन्स हम अगेन हमें प्राइस बिफोर द जीएसटी नहीं दी, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी दी है, तो हम उसको एक्सपोज कर लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कलर टीवी की प्राइस या कॉस्ट बोल सकते हैं, वो दी हुई है इंक्लूडिंग जीएसटी 35,400 रुपीज़, इट मीन्स रेट ऑफ जीएसटी में ऑलरेडी बता दिया 18% है, हम ले लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ अ कलर टीवी बिफोर जीएसटी रुपीज़ एक्स, तो ये एक्स रुपीज़ ले लिया हमने। अब हमें क्या फाइंड करना है इस पर जीएसटी, तो जीएसटी कितनी है 18% ऑफ एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं 18 into x 18x over 100। प्राइस में अगर हम अपनी जीएसटी ऐड कर दें तो वो प्राइस आ जाएगी इंक्लूडिंग जीएसटी के इक्वल, तो यहाँ 5 है 4 0 0 35,400 प्राइस है इंक्लूडिंग जीएसटी। कैसे आएगी, अगर आप प्राइस में प्रोडक्ट की प्राइस में जीएसटी ऐड कर देंगे तो ये प्राइस आएगी, यहाँ 1 लगा लेते हैं, देन अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 100, एलसीएम ले लिया, 100 को 1 से डिवाइड करेंगे, 100 100 इंटू एक्स 100 एक्स, डिनोमिनेटर एंड एलसीएम सेम है तो ऊपर न्यूमिनेटर एज इट इज़, देन अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 100 into 18 118 over 100 is equal to this।
अब सिंपली हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए तो वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। जब हम लेफ्ट से राइट पे लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई, एंड जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो गया डिवाइड। अब बस आपको इसकी कटिंग करनी है और आपका आंसर आ जाएगा क्या, प्राइस ऑफ अ कलर टीवी बिफोर जीएसटी। चलिए हम कटिंग भी कर लेते हैं इसकी। तो सिंपली सबसे पहले अगर हम देखें तो टू के टेबल में भी जा सकते हैं, टू फाइव ज़ा टेन एंड टू नाइन ज़ा एटीन, देन टू वन ज़ा टू, टू सेवन ज़ा हमारे पास आ गया 14, देन अगेन टू सेवन ज़ा और पीछे टू ज़ीरोज। अब देखिए 59 एक प्राइम नंबर है, तो देखिए 59 के टेबल में 177 आता है या नहीं। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो 59 के टेबल पे 3 पे आता है, 59 थ्री ज़ा होता है 177, 59 वन ज़ा एंड 59 थ्री ज़ा, पीछे टू ज़ीरोज एज इट इज़। अब हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। 300 इंटू 100 हमारे पास आ गया 30,000। इट मीन्स प्राइस ऑफ अ कलर टीवी बिफोर जीएसटी थी हमारे पास 30,000 रुपीज़, और जीएसटी ऐड होने के बाद बनी 35,400। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मालिनी परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज 29,500 इंक्लूडिंग जीएसटी एट 18%। वट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। इट मीन्स हमें यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस को क्या कर लेना है, लेट कर लेते हैं ओरिजिनल प्राइस को एक्स, क्योंकि हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं दी, हमें ऑलरेडी प्राइस दी हुई है वॉशिंग मशीन की, जो जिसमें ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड है और जीएसटी का रेट हमें दिया है 18%। हम कर लेते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन रुपीज़ एक्स, क्योंकि हमें वो प्राइस अभी नहीं दी तो हम उसको एक्सपोज कर लेते हैं। जीएसटी कैसे आएगी इसमें, 18% ऑफ एक्स। तो आपको क्या लिखना है, 18/100 इंटू एक्स, देन 18x/100 हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया। क्या करना है, एक्स में ओरिजिनल प्राइस में जीएसटी को कर देना है ऐड, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी प्लस कर दें तो हमारे पास सेम प्राइस आ जाएगी इंक्लूडिंग जीएसटी। अब एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 100 का एलसीएम 100 है, देन 100 को 1 से डिवाइड करेंगे, 100 इंटू एक्स 100, देन 18x आ गया। अब हम इसको किसके इक्वल कर देते हैं, 29,500 के, दोनों को ऐड कर देते हैं एंड अगेन ये नंबर किसके इक्वल है, 29,500 के। अब आपको सॉल्व कर लेना है, क्या करना है, 100 इस साइड क्या हो रहा है डिवाइड, देखिए वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड 118 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड जाके 118 हम कर देते हैं डिवाइड। अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है, कटिंग से कर सकते हैं, सीधा डिवीजन टू के टेबल में कट हो सकता है इजिली, देन हम टू के टेबल में कट करते हैं नीचे वाले नंबर को भी, 2 5 6 एंड 2 9 18। अब देखिए 59 आप सबको पता है प्राइम नंबर है, तो 59 किसी टेबल में तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली 59 से 14,750 को डिवाइड कर लेते हैं। तो 59 2 118 देन सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब हमारे पास 17 बन गया, 17 - 8 = 9, 3 - 2 = 1 - 2 = 3, देन 5 को हमने ले लिया नीचे, देन अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट 5 टेबल में जाए तो पूरा पूरा जाता है, 59 5 = 295, 0 0 0 देन 0 59 0 = 0, तो आपका आंसर आ गया 250। इट मीन जब आप 59 की कटिंग करते हैं इस नंबर के साथ 250 हमारा आंसर आ गया। अब आपको 250 को 100 से मल्टीप्लाई कर देने, 25,000 हमारी प्राइस आ गई वॉशिंग मशीन की बिफोर जीएसटी। दिस इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन, एंड हम यहाँ पे लिख भी देते हैं ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज दिस। क्वेश्चन नंबर 7, शकुंतला पर चेज्ड अ हैंड बैग फॉर रुपीज़ दिस इंक्लूडिंग जीएसटी। इफ़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द हैंड बैग इज 4200 देन फाइंड द जीएसटी। अब हमें क्या फाइंड करनी है जीएसटी, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें इंक्लूडिंग जीएसटी वाली प्राइस भी दी हुई है देखिए एंड ओरिजिनल प्राइस भी दी हुई है, तो हम दोनों लिख लेते हैं। इंक्लूडिंग वाली प्राइस है 4704 एंड जो प्राइस ओरिजिनल है 4200 है। अब देखिए आपकी जीएसटी कितनी होगी, जीएसटी होगी दोनों का डिफरेंस, तो हम जो बड़ा नंबर है उसमें से अपने छोटे नंबर को माइनस कर लेते हैं। इट मीन्स 4704 में से 4200 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन हमारे पास जीएसटी कितनी आ गई, रुपीज़ 504। अब हमें क्या करना है,
हमें फाइन करना है रेट ऑफ जीएसटी। तो रेट ऑफ जीएसटी फाइन करने के लिए आपको क्या करना है, जीएसटी ओवर ओरिजिनल प्राइस ऑफ द हैंडबैग इनटू 100। जब भी हम जीएसटी फाइन करेंगे ओरिजिनल प्राइस से ही डिवाइड करना है आपने जीएसटी को। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 0 कैंसिल कर दिए हमने। देन 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, 1 इज रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, देन 2 2 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, हमारा आंसर आ गया। ये सीधा हम इसको 3 के टेबल में भी कट कर सकते हैं, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 4 ज़ा 12 एंड 3 7 ज़ा, देन 7 के टेबल में 7 1 ज़ा एंड 7 2 ज़ा 14, हमारे पास अब आंसर क्या आ गया 12। तो 12 हमारा क्या है रेट ऑफ जीएसटी। इस क्वेश्चन में कितनी जीएसटी चार्ज हुई हैंडबैग पे, 12%। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विहान वॉन्टेड टू परचेज अ मूवी टिकट फॉर ₹80, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इट ही हैड टू परचेज अ टिकट फॉर ₹120, हाउ मच एडिशनल जीएसटी डिड ही पे फॉर द टिकट। अगर जीएसटी कितनी है, अगर टिकट पे ₹100 से बिलो, GST फॉर अ टिकट बिलो ₹100 इज 18% एंड GST फॉर अ टिकट अबव 100 इज 28%। इट मीन्स अगर वो ₹100 से कम की टिकट लेता है तो उसको 18% GST लगेगी, अगर ₹100 से ऊपर की टिकट लेता है, प्राइस अबव लेता है, देन 28% की GST लगेगी। चलिए अब देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखिए हमारी ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट कितनी है, ₹80 ओरिजिनल प्राइस हमें पता है। ओरिजिनल प्राइस पे जीएसटी चार्ज हो रही है, देखिए उन्होंने बोला था अगर आपकी टिकट ₹80 से कम है तो 18% जीएसटी लगेगी, ₹100 से कम है तो 18% जीएसटी लगेगी, हमारी यहाँ पे ₹80 ही थी तो इस पे हमें करनी है 18% जीएसटी। तो 18/100 इंटू 80, 0 0 कैंसिल, देन हम क्या कर लेते हैं डेसिमल लगा लेते हैं ऊपर वाले 18 को 8 से मल्टीप्लाई करके। तो जब हम 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ गया ओवर 10 है, तो हमने सॉल्व कर लिया 14.41, डेसिमल लगा दिया, नीचे एक ही डिजिट था। अब हमारे पास सेकंड क्या था, उन्होंने हमें बोला था कि जो इंक्रीज प्राइस है मूवी टिकट की वो थी ₹120, तो इंक्रीज प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट 120 है। तो हमने क्वेश्चन में ये भी पढ़ा था अगर हमारी GST ₹100 से ज़्यादा टिकट की प्राइस होगी तो उस पर GST चार्ज होगी 28%। इट मीन्स ₹120 पे भी कितनी GST देनी होगी, 28% GST देनी होगी। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 28% GST निकालनी है ₹120 पे, 28/100 इंटू 120, देन कैंसिल कर लेते हैं 0 0 सीधी कैंसिल से, हम लास्ट क्वेश्चन में किया 0 0 कैंसिल्स हो जाएंगी, देन 28 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 के साथ एंड उसको 10 के साथ क्या कर देते हैं डिवाइड, तो हमारा आंसर आ गया 336 डिवाइडेड बाय 10, डेसिमल लग जाएगा एक डिजिट छोड़ के, 33.6 आ गई आपकी GST। अब देखिए अब उसको GST पे करनी पड़ी 33.6 और उसको एक्चुअली में करनी थी GST 14.4। एडिशनल GST कितनी पे की विहान ने, 33.6 माइनस 14.4 जो एक्चुअल में उसने करनी थी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आ गया ₹19.2। तो ये हमारा आंसर है ₹19.2, इसको इतनी एडिशनल GST पे करनी पड़ी। एंड आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से क्लियर हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 के साथ साथ अपनी पूरी एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट कर ली है, एक्सरसाइज 7.4। आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।